सुल्तानपुर में मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। घटना बल्दीराय थाना क्षेत्र के किलोमीटर 92.400 की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जौनपुर जिले के सागंज कोतवाली अंतर्गत रामपुर निवासी मोहम्मद अरमान बोलेरो गाड़ी UP-62 AO-4142 से सीताराम पाल, सम्राती पाल, कस्तूरबा देवी व सुनीता देवी को लेकर लखनऊ जा रहे थे। अभी वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 92.400 पर बल्दीराय थाना क्षेत्र में पहुंचे थे कि एकाएक बोलेरो का दाहिना टायर फट गया। वो गाड़ी बीच रोड पर खड़ा करके टायर देखने लगे। सीताराम पाल दाहिनी तरफ उतर गया। इसी समय ओवरटेकिंग रोड से UP-45Y-8432 इको कार को चालक प्रवीण मौर्य बसखारी जिला अंबेडकर निवासी अंबेडकर नगर निवासी निकालने लगे। तभी एक इनोवा UP-32LF-8432 का चालक प्रदुप ने इको स्पोर्ट गाड़ी व सीताराम पाल तथा बोलेरो में टक्कर मार दी। टक्कर में सीताराम पाल को काफ़ी चोटें आई हैं। उसे कुमारगंज अस्पताल भेजा गया है और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। बोलेरो को लेकर चालक लखनऊ चला गया। इनोवा व इको स्पोर्ट गाड़ी को ट्रैक से हटाया गया है। बल्दीराय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now44 न्यूज चैनल।